खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पुलवामा में हमारे जवानों पर कायराना हमला पाकिस्तान ने किया और इस पर अब देश के भीतर राजनीति शुरू हो गई है। देश के वीरों के असली विलन पाकिस्तान को हमें जवाब देना है, लेकिन इस वक्त देश के अंदर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो वीरों के विलन बन गए हैं। आगे इलेक्शन वायरल में देखिए देश के वीरों के विलन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर 14 फरवरी को हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक साथ खड़ा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसे नाजुक मौके पर मोदी सरकार और सुरक्षा बलों के साथ खड़े होने का ऐलान करके एक मिसाल पेश की और इस मामले से राजनीति को दूर रखा। राहुल के इस कदम की सबने तारीफ की। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन अब पुलवामा हमले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस पुलवामा हमले को लेकर पीएम मोदी पर शहीदों के अपमान का आरोप लगा रही है। जब पूरा देश 3:10 पर पुलवामा में हमारे शहीदों के बम से उड़ाने के सदमे से जूझ रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री इस अमानवीय कार्य में लगे थे, अपने प्रचार और प्रसार की फिल्म की शूटिंग वहां पर कर रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला के आरोपों पर बीजेपी पलटवार करते हुए राजनीति को इस मामले से दूर रखने की बात कह रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर कांग्रेस को यही सब बोलना था तो राहुल गांधी जी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वापस ले लेनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि हम बेचैन लोग हैं, हम 2-3 दिन से ज्यादा चुप नहीं रह सकते, हमारा काम हमला करना है, करते रहेंगे, ये कांग्रेस को कहना चाहिए। पुलवामा हमले को लेकर राजनीति शुरू होने के पीछे भी वजह है। पुलवामा हमले के बाद जहां पीएम मोदी खुले तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी और सेना को छूट देने की बात कह रहे थे, पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे। वहीं उन्हीं के कुछ मंत्री और नेता पीएम मोदी के प्रयासों पर पानी फेर रहे थे। हंगामे की ये तस्वीरें मेरठ की हैं। रविवार को पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मेरठ के अजय कुमार शहीद हो गए। पुलवामा के पिंगलाना में शहीद हुए अजय को श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह को लेकर विवाद खड़ा हो गया। चिता के पास जूते पहनकर बैठे सत्यपाल सिंह और बीजेपी के दूसरे नेताओं के खिलाफ शहीद के रिश्तेदारों ने विरोध किया, जिस पर हंगामा हो गया। साथ ही अंतिम संस्कार के दौरान सत्यपाल सिंह की हंसते हुए तस्वीर भी वायरल हुई, जिसको लेकर लोग सत्यपाल सिंह पर हमला बोलने लगे। राहुल राणा नाम के यूजर ने लिखा, आंखों से आंसू भले ही न गिरे लेकिन लबों पर मुस्कुराहट उसकी शहादत का अपमान है, कम से कम बलिदान का अपमान तो मत करो। ये तस्वीरें दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की है। जिस दिन पुलवामा में हमला हुआ उसी रात प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान मनोज तिवारी और अभिनेता रवि किशन ठुमके लगा रहे थे। तस्वीरें वायरल होने के बाद मनोज तिवारी लोगों के निशाने पर आ गए। वाइज अंसारी नाम के यूजर ने ट्विटर पर लिखा, पूरा देश जवानों के शहीद होने पर रो रहा था लेकिन देशभक्त मनोज तिवारी ठुमके लगा रहे थे।
हालांकि बाद में मनोज तिवारी ने सफाई भी दी। प्रयागराज के पास एक गांव में गया था, एक माँ शीतला के मंदिर का वार्षिकोत्सव था, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था और उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हमें इस घटना की जानकारी मिली। इस घटना की जानकारी मिलते ही खड़े हुए दो मिनट का मौन रखा सबने। लेकिन इतनी बड़ी शहादत के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की एक तस्वीर ने उन्हें भी विलन बना दिया। उन्नाव के शहीद अजीत कुमार की अंतिम यात्रा में शामिल साक्षी महाराज की ट्रक पर मुस्कुराती तस्वीरें खूब वायरल हुई। शहीद के शव के साथ ट्रक पर सवार होकर हंसते हुए साक्षी महाराज लोगों के निशाने पर आ गए। मोदी कैबिनेट में केरल के मंत्री केजे अल्फोंस भी अपनी तस्वीर को लेकर विवादों में घिर गए। पुलवामा हमले में शहीद जवान वीवी वसंत कुमार के अंतिम संस्कार में पहुंचे केजे अल्फोंस की ये तस्वीरें वायरल हो गईं और उन पर आरोप लगने लगा कि उन्होंने शहीद के ताबूत के साथ सेल्फी ली। हालांकि बाद में अल्फोंस ने सफाई दी थी कि ये सेल्फी नहीं थी बल्कि किसी जानने वाले ने उनकी ये तस्वीर खींची थी। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के मेयर विनोद अग्रवाल की हंसते हुए तस्वीरें वायरल हुई। शहीदों के अपमान को लेकर बीजेपी के मेयर को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। इसके अलावा गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता भरत पंड्या के हवाले से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुलवामा हमले के बाद भरत पंड्या ने कहा कि अभी देश में राष्ट्रवादी लहर है, इसे वोट में बदलो। अंजू नाम की यूजर ने अंग्रेजी अखबार का हवाला देकर यह बात सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके अलावा भी कई लोग हिंदी और अंग्रेजी अखबार के हवालों से ये दावा कर रहे हैं। इसके अलावा ओडिशा के बीजेडी विधायक का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शहीद के भाई का अपमान कर रहे हैं। पुलवामा में शहीद हुए कटक के रहने वाले मनोज बेहारा के अंतिम संस्कार में बीजेडी विधायक देवाशीष सामंतरे ने शहीद के भाई को ऐसे जबरन बिठाने की कोशिश की जिस पर विवाद हो गया। इस वीडियो को ओडिशा कांग्रेस के नेता निरंजन पटनायक ने भी ट्वीट किया है। पूरा देश अब भी गुस्से से उबल रहा है और पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है, लेकिन कुछ नेताओं की असंवेदनशीलता ने उन्हें वीरों का विलन यानी शहादत का शत्रु बना दिया। यही वजह है कि कांग्रेस आज मोदी सरकार को घेर रही है।